अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होगी। मैं भी आप बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैंने ये कपड़े धो के रखी थी, अब वो सूख चुके हैं। अब मैं उसकी घड़ी डाल रही हूँ, फिर उसके बाद तो मेरा सिलेंडर आ चुका है, तो मैं सिलेंडर को भी अच्छे से करके रख दूँगी। देखो आप लोग यहाँ पे मैं सिलेंडर को अच्छे से करके रख दूँगी, फिर मैं इसके बाद झाड़ू वगैरह मारूँगी। फिर मेरे को वो भी करने का है, गैस साफ भी करने का है, किचन कट्टा और बर्तन वगैरह भी धोने का है। क्या कर सकते हैं हम लोग लेडीज़ लोग, काम तो करना ही पड़ता है, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, काम तो हमें ही करना पड़ता है, और कोई तो हमें हेल्प करने आएगा ही नहीं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, खैरियत हो गए, सही सलामत हो गए। अल्लाह हर किसी को अच्छा रखे, आमीन सुमामीन, सेहतमंद रखे आमीन। पर मैं अच्छी नहीं हूँ, तो जी हाँ, मेरी तबीयत खराब है 2-3 दिन से। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो भी नहीं कोई बना पा रही हूँ अपना डेली रूटीन का। और अभी आप लोगों ने देखे ये सब मैंने काम करी, क्या कर सकते, बीमार पड़े चाहे कुछ भी हो जाए, घर का काम तो हम औरतों को ही करना है, कोई कर नहीं सकता। अब प्लस पॉइंट मेरे घर पे कोई नहीं है मेरे अलावा, मैं मतलब मेरे हबी कोई अगर अभी रहता तो उन लोग काम कर लेते थे, पर क्या कर सकते। और इतना सीरियस नहीं है, बस नॉर्मली अपना जैसे तबीयत खराब होती है वैसी हो गई है। और अभी मैं जा रही हूँ, काम वगैरह मेरा हो चुका है सब कुछ, अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। पहले मम्मी के यहाँ घर जाऊंगी और फिर मम्मी के यहाँ से फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी। डॉक्टर को आने तो टाइम है ना, 7-7:30 बजे आते, हाँ 7-7:30 बजे आते, तो इसलिए मैं अभी जाऊंगी। मैं बुरखा वगैरह पहन के रेडी हूँ और बस अभी नोज पट्टी लगानी है। फिर मैंने सोची मैं आप लोगों से बात कर दूँ, क्योंकि शायद 2-3 दिन हो गए मैं फेस टू फेस बात नहीं करी। बर्थडे के दिन लास्ट टाइम बात करी, उसके बाद फिर आज मिल रही हूँ मैं आप लोगों से, तो वही अभी नोज पट्टी वगैरह लगाऊंगी और जाऊंगी फिर, ठीक है। फिर मैं उसके बाद आऊंगी ना, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह जरूर मिलूंगी। तो चलो अभी मैं चलती हूँ। घर पे अभी डॉक्टर के पास से दवाई वगैरह लेके, तो अभी मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। सोच रही हूँ डिनर में क्या बनाऊंगा, सोच रही नहीं हूँ, मैंने पहले डिसाइड करके रख चुकी थी, फिर भी अभी एक बार इनसे कंफर्म कर ली कि मैं ये चीज बनाऊँ क्या। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त, आलू मटन भी बोल सकते हैं, आलू गोश्त भी बोल सकते हैं। और डॉक्टर ने कुछ नहीं बोले, क्योंकि बोले कि ऐसी मौसम की वजह से बीमार पड़ते हर कोई, तो बोले ठीक है, बोले टैबलेट चालू रखो 2-3 दिन तो हो जाएगी सही, तो ऐसा है। और अभी मेरे को कोई देख के बोल सकता है कि मैं बीमार हूँ, कोई बोल सकता है कि मैं बीमार हूँ, नहीं ना, बस नहीं दिखाने का, क्या दिखाने का चेहरे पे, बीमार है सोने का वो सब मुझे नहीं आता पसंद। मैं बस एकदम हैप्पी रहना चाहती हूँ, बीमार भी हो तब भी एकदम ऐसे चेहरे से दिखाने का नहीं कि भाई मैं बहुत बीमार हूँ, इस तरीके का नहीं दिखाने का। मैं आप लोगों को भी ये बात बोलती, कभी भी बीमार पड़ोगे ना एकदम हैप्पी रहने का, इससे क्या ना अपने घर वाले लोग भी अपने को देख के बहुत अच्छे से रहते, वरना अगर हम लोग एकदम उदास बीमारी वाला अगर फेस रहेंगे ना, तो फिर सामने वाले भी एकदम टेंशन में आ जाते हैं, हाँ भाई इसको कुछ ज्यादा ही बीमार नहीं लगता, इसको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं लगता, ऐसे सोचते थे। और अभी मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अभी नहीं करी, मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तभी मैंने कपड़े चेंज करी, क्योंकि आप लोगों ने जब देखे मैं काम वाम कर रही थी तो वहाँ पे मेरे कपड़े थोड़े बहुत भीग गए थे, गीले हो गए थे, तो मैं डॉक्टर के पास जाने के टाइम मैंने कपड़े को गीला कर दी थी, ये कपड़े को चेंज कर दी थी, कपड़े को गीला नहीं करी थी, कपड़े को मैंने चेंज कर दी थी, तो ऐसा है। तो अभी मैं ज्यादा लंबा नहीं करती हूँ, अभी मैं जाती हूँ खाना बनाने के लिए डिनर में, मेरे को कुछ नहीं बनाने का, रोटी बनाने का और सालन बनाने का। और मैंने आज तो सुबह में ये बनाई थी, दोपहर में, हाँ दोपहर में भी नहीं बोल सकती, सुबह में भी नहीं, बीच टाइम में मतलब 12 बजे के करीब ही मैंने ये बनाई थी, अपना इडली डोसा और सांभर बनाई थी मैंने, हाँ मेरा दिल कर रहा था तो मैंने आज उसको बनाई थी। और खाने के लिए मेरे मुंह में जायका नहीं है, जायका ही बोलते हैं ना, टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है मेरे मुंह में, मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा है। और अभी मैं वो करने वाली, मेरे को एक बता दिए कि वो नींबू को कुछ नमक लगा के उसको तवे पे गरम करके उसको चूस लेने का नींबू को, वो मेरे को एक भाई बता दिए, तो अभी मैं उनकी ट्रिक आजमाने वाली हूँ जिससे मेरे मुंह में टेस्ट आए, तो मैं अभी वो भी ट्रिक आजमाने वाली हूँ आज, तो ठीक है ऐसा। तो अभी मैं चलती हूँ,
फिर आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूंगी। हाँ, मेन बात तो ये रह गई, हाँ ये रेसिपी मैं शेयर करूंगी, ये मेरी बहुत अच्छी वाली वाईटी पे ही मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड बोलो सिस्टर बोलो कुछ भी है, कुछ भी बोलो वो है मेरी। मैं उनके चैनल पे जाके ये रेसिपी मैंने निकाली और अभी मैं वही रेसिपी को ट्राई करने वाली, देखती हूँ उनके तरह ही मेरी रेसिपी होती है क्या। सॉरी गाइस, तो देखती हूँ उनके तरह मेरी रेसिपी होती है क्या। ठीक है, तो अभी ज्यादा देर नहीं करती हूँ, फिर भी नहीं ज्यादा देर ज्यादा नहीं बोलते बोलते देखना 3 मिनट तक का हो गया। ठीक है, चलो अभी चलते किचन की तरफ। यहाँ पे मैं किचन की तरफ आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो के आसपास मटन ली वॉश करके, और ये मीडियम साइज़ के 4 प्याज है, यहाँ पे थोड़ा सा दही या अदरक लहसुन की पेस्ट, और ये सूखे मसाले लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला। और जैसे ही मेरा कुकर गरम हो गया तो उसके अंदर मैंने ऑयल को ऐड कर दी थी। जैसे ऑयल गरम होने पर मैं उसके अंदर प्याज को ऐड कर दूँगी। और बहुत ही अच्छी वाली ये रेसिपी है और इजी भी बन जाती है। और जैसे अभी तेल गरम होने पे मैंने उसके अंदर प्याज को भी ऐड कर दी। प्याज को मैं नरम ही होने तक का फ्राई कर दूंगी, और फिर जैसे प्याज नरम हो जाएगा तो उसके अंदर मैं जो भी ये मसाले वो ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो प्याज मेरा अच्छे से नरम हो चुका है, मैं आप लोगों को साथ में बताती जा रही हूँ। और मैं इनसे बात कर रही थी, मेरा मुंह हिल रहा है, तो मैं इसके अंदर अभी यहाँ पे अदरक लहसुन की पेस्ट को ऐड कर दी, उसको भी अच्छे से भून दूँगी तेल में और इसमें प्याज में। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपना स्पाइसेस डालूँगी, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, देखो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और अपना हाँ यही डालूंगी, और अपना धनिया पाउडर। गरम मसाला तो मैं एकदम लास्ट में डालने वाली हूँ उसको, जब पूरा तैयार होने के बाद। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से भून दूंगी, और इसमें इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको भूनना है, क्योंकि इससे मसाले नहीं जले अपने। तो ऐसा है, अभी देखो यहाँ पे मैंने पानी को ऐड कर दी। प्लीज़ आप लोग भी इसे ट्राई करना, बहुत ईजी वाली रेसिपी है। और मुझे कमेंट करके बता देना कि ये मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और अभी जैसे मसाले भुनने पे मैंने इसके अंदर ये वाला मटन ऐड कर दी, मटन को भी अच्छे से तेल में फ्राई करूँगी, और फिर पानी उसका छूट जाता है ना, पानी सूखने तक का उसको मैं फ्राई करूँगी अच्छे से। थोड़ा टाइम लगता है पर अच्छा टेस्टी हो जाता है ये। तो ऐसा है, यहाँ पे मैंने मटन को ढक दी, और फिर उसके अंदर देखना, फिर मैं उसके अंदर दही डालूंगी। जब अच्छे से मटन का पानी छोड़ के एकदम सूख जाएगा ना, तो उसके अंदर मैंने दही को ऐड कर दी। दही को ऐड करने के बाद फिर उसको अच्छे से हिला के उसको भी पकाने के लिए छोड़ना है, जिससे वो थोड़ा सा ना तेल छोड़ दे। तो यार देखो यहाँ पे पूरा एकदम सूख चुका है सालन, तो अपने हिसाब से उसके अंदर आप ग्रेवी रख सकते हैं, जितना खास खाते हो उतना पतली तो पतली या तो गाढ़ी, आप अपने हिसाब से उसके अंदर ग्रेवी रख सकते हैं। अब मैं उसको 2 सीटी के लिए छोड़ दूँ। यहाँ पे मैंने अभी कुकर को खोल दी, 4 सीटी में ये गोश्त गल चुका है, आधा 80% कुक हो चुका है। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड करूँगी। आलू को मैंने बस एक ही छोटा आलू ऐड करी, बिल्कुल इनको आलू पसंद नहीं है, बस जब मैं रेसिपी बना रही हूँ तो आलू तो ऐड करूँगी। अब मैं उसको और 1 सीटी लगाने के लिए छोड़ दी आलू, जिससे हमारा गल सके। तो अभी आलू गल चुका है, अब मैं उसको गैस को बंद कर दी और फिर उसको खोल के देखूँगी कि ये किस तरीके से बना है करके। और काफ़ी अच्छा माशाल्लाह दिखने में तो शोरवा बना है, शोरवा बोल सकते हैं, सालन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, करी बोल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रख दी हूँ। और काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह ये दिखने में रेसिपी बनी थी, और उतनी ही टेस्टी बनी थी, इनको बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ डिश में, सॉरी बाउल में निकाल के आप लोगों को बता रही हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी थी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एकदम इजी ना, इसमें कुछ ज़्यादा सामान इसमें है, बस अपने घर में जो है वही है। देखो यहाँ पे गार्निश कर दी मैंने, कितना अच्छा लग रहा है। देखो धनिया पत्ती डाली, तो बहुत यम्मी वाली ये रेसिपी बनी थी दिखने में भी। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे ज़रूर बता देना। देख लिया आप लोगों ने कितना अच्छा सालन बना था, दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, अभी तो खाए नहीं है इन्होंने, तो ये जब खाएंगे तब मुझे बता देंगे कि कैसा बना था। आप लोगों को दिखने में कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दा। अगर ये वाली रेसिपी और आज का मेरा पूरा दिन का रूटीन अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा सालन भी और पूरा दिन भी। तो ठीक है, और अभी हम लोग जा रहे खाना वगैरह खाने के लिए, और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगी क्योंकि
वैसे भी उसका स्पेस नहीं है मोबाइल में मेरे ना स्पेस नहीं है सॉरी यार मोबाइल में मेरे स्पेस नहीं है तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगी। तो मैं यहीं पर वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोबारा बोल दी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा तबियत खराब की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं इंशाल्लाह करूँगी अभी वीडियो। मैं आपको मतलब बता रही हूँ इंशाल्लाह बोलती हूँ तो मैं कर दूँगी वीडियो अपलोड। ये पैर क्या ये हाँ ये लेटे हाँ रियाज कर रहे ना रियाज करते करते थक गए तो लेट गए उनका पैर दिख रहा है वहाँ पे। तो ठीक है फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना, मैं भी आप लोगों की दुआ में याद रखूँगी। चलो फिर अल्लाह हाफिज़ बाय।